हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक जानकारी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज हम बात करने वाले हैं डाकन की। आखिर क्या होती है डाकन, आखिर वो कितनी खतरनाक होती है, उसकी कहानियों की शुरुआत कैसे हुई, कहां पर सबसे ज्यादा कहानियां सुनाई जाती हैं और अंत में मैं आपको डाकन की एक सच्ची भूतिया कहानी भी सुनाऊंगा जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर डाकन क्या होती है। तो जो डाकन शब्द है वो डायन से ही निकला हुआ है। राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों में वहां पर इस तरह की कोई डायन पाई जाती है जिसे वहां डाकन नाम दिया गया। लगभग 300 से 400 साल पहले वहां पर इस तरह की डायन पाई जाती थी जो जादू टोने का इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन ये जो डाकन है वो भी डायन का ही एक रूप है, लेकिन डायन जो होती थी वो जिंदा प्राणियों को कहा जाता है। जब कोई जादूगरनी बहुत ज्यादा तंत्र विद्या से शक्ति हासिल कर ले तो उसे डायन कहा जाता है। लेकिन डाकन मरने के बाद, वहां पर जरूरी नहीं है कि वो जादूगरनी की ही मौत हो, अगर किसी स्त्री की संदिग्ध हालत में मौत हो जाए उसके बाद जो उसकी आत्मा होती है वो वहीं पर फंसी रह जाती है तो वो डाकन बनती है। और जितनी बुरी तरह से उसकी मौत हुई होती है वो उसी तरह और इंसानों से बदला लेती है और उस इलाके के आसपास ही रहती है। और अब आपको पता लग गया होगा कि डाकन और डायन लगभग एक जैसी ही होती हैं, लेकिन एक और चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो डाकन होती है और एक डाकिनी होती है, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है, यानी कि अलग चीज़ है। ये जो डाकिनी होती है वो हिंदू धर्म ग्रंथों में बताई हुई एक ऐसी साधना है, जिस तरह से कर्ण पिशाचनी उसी तरह से डाकिनी वो भी एक तरह अप्सरा का रूप ही होता है जिसे साधा जा सकता है। लेकिन एक डाकन, साधारण स्त्री या जादूगरनी जिसकी मौत हो चुकी हो, मरने के बाद वो वहां पर भटकती हो, उसे डाकन कहा जाता है। और डाकन अलग चीज होती है, डाकिनी अलग चीज होती है। और अब बात करते हैं डाकन की, तो उसकी पहचान यही होती है कि वो भी एक चुड़ैल की तरह, उसके पैर उल्टे होते हैं, उसका चेहरा बहुत ही भद्दा सा होता है। और ये जो डाकन होती है उसका चेहरा कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। चुड़ैल होती है वो कभी कभी रूप बदल सकती है, लेकिन एक डाकन कभी भी रूप नहीं बदल सकती। वो हमेशा ही भयानक नजर आती है और वो लोगों को फंसाकर उन पर हमला करती है। तो अब मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, और हमारे सब्सक्राइबर का नाम है देशराज, जो कि राजस्थान के पाली के पास के ही एक गांव में रहते हैं। उन्होंने अपने गांव का नाम बताने से मना किया है तो मैं आपको कहानी इसी तरह से सुनाता हूं। देशराज जो वहाँ पाली के पास ही एक गांव में रहते हैं, वहाँ पर वो मैकेनिक का काम करते हैं। उन्होंने 12वीं की थी और उसके बाद सीधा मैकेनिक का काम करना शुरू कर दिया था। जब वो 10वीं में थे तब वो स्कूल से आया करते और एक मैकेनिक के पास काम किया करते, क्योंकि उनके घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके बाद वो काम करते गए और धीरे धीरे जब उन्होंने 12वीं कर ली तो उन्हें ठीक ठाक काम आ गया था। वो गाड़ी बाइक ठीक कर सकते थे और वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी और मैकेनिक का काम अब अच्छा चलने लगा था। लेकिन गाँव होने के कारण अब गाँव के लोगों के पास ज़्यादा बाइक या गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो मेन रोड हुआ करता था जहाँ पर उनकी दुकान थी, तो कई गाड़ियाँ बाइक जो वहाँ से गुजरती वो वहाँ पर रिपेयर करवाती। इसी कारण अब देशराज की कमाई ठीक ठाक होने लगी थी, क्योंकि गांव में ज़्यादा लोगों के पास काम नहीं था और देशराज ने अपनी दुकान खोल ली थी तो उसके घर का गुजारा भी ठीक ठाक सा होने लगा था। लेकिन उसके बाद सीधा समय आया 2019-2020 का, जब कोरोना काल हुआ और हर तरफ लॉकडाउन लग गया था। अब लॉकडाउन ने बड़ों बड़ों के हाथ खड़े करवा दिए थे, देशराज के भी हाथ खड़े करवा दिए थे। भाई दुकान बंद रहेगी तो काम कैसे करेंगे। अब पुलिस वालों ने हर तरफ से बंद किया हुआ था, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, कुछ खास लोग ही बाहर निकल पाते थे। अब वो मैकेनिक था, दुकान बंद है तो घर से वो गुजारा कैसे करेगा, तो उसने फोन का सहारा लिया था। जब भी किसी को गाड़ी ठीक करवानी होती वो अपना नंबर लोगों में बांट चुका था, उसे फ़ोन आते और वहाँ घर जाकर वो गाड़ी ठीक कराता, ना किसी से मिलता, बस गाड़ी ठीक कराता। इस तरह से अब ठीक ठाक काम चलने लगा था। कभी शहर से कॉल आती, कभी पास के किसी गांव से कॉल आती, अब उसका गुजारा चलने लगा था। लेकिन उसे पता नहीं था ये फ़ोन भी उसके लिए झंझट बन सकता है। अब देशराज का गांव शहर से काफ़ी दूर पड़ता था और जब भी शहर से कॉल आती तो उसे शहर अपनी बाइक से जाना पड़ता, और कभी कभी रात के वक्त भी कॉल आती। इसी तरह रात के 10 बजे जब देशराज खाना खा रहा था उसे किसी की कॉल आई। अब देशराज की पत्नी ने साफ साफ कह दिया था कि रात को चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इमरजेंसी पड़ जाए, तुम नहीं जाओगे,
क्योंकि वो इलाका इतना अच्छा नहीं कहा जाता था। वहाँ पर भूतों की कहानियाँ सुनाई जाती थी, लुटेरों की कहानियाँ सुनाई जाती थी, और आसपास का जो इलाका था वो बहुत ज़्यादा सुनसान था। कभी कभी वहाँ पर लोगों को चोट लग जाती और सुबह तक किसी को पता तक नहीं चलता। कई लोगों का एक्सीडेंट वहाँ पर हो चुका था, और वो एक्सीडेंट के बाद जब गिर गए वहाँ उनके सर पर चोट लगी और कोई वहाँ से गुजरता नहीं था। वो सड़कें रात के वक्त बिल्कुल खाली हो जाती थी, अब कोरोना काल में तो बिल्कुल खाली हो जाती थी। अगर उसे चोट लगती तो सुबह तक कोई भी उसे देख नहीं पाता, और हो सकता है ऐसी हालत में किसी की भी मौत हो जाए। इसलिए देसराज की पत्नी कहा करती कि रात के वक्त तुम नहीं जाओगे। वो तो 8 बजे भी जाने को मना कर देती, और इस बार 10 बजे देसराज को कॉल आई थी। वो शहर के पास किसी की गाड़ी खराब हो गई थी, उसके पास देसराज का नंबर था। उसने सीधा देसराज को फ़ोन किया और कह दिया कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, अगर तुम ठीक कर दो तो अच्छा होगा। उसने कहा कि मैं ऐसे इलाके में हूँ कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वीरान सी जगह है। अब देसराज ने पूछा मेरा नंबर तुम्हें कैसे मिला, उसने कह दिया मेरे किसी दोस्त ने दिया था। अब देसराज कहने लगा कि रात के 10 बजे हैं, मैं नहीं आ सकता। वो जो आदमी था वो मिन्नतें किए जा रहा था, वो बार बार मिन्नतें किए जा रहा था। अब देसराज कहने लगा क्या करूं सर, मैं नहीं आ सकता, मेरी बीवी भी इतनी रात को मना कर रही है। अब सामने से फ़ोन पे उस आदमी की आवाज़ नहीं आई, बल्कि उसकी जो बीवी थी उसकी आवाज़ आई। देखो भैया, हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे यहाँ पर सिर्फ आकर वापस जाने के, बाकी जो तुम ठीक करोगे उसके पैसे अलग से ले लेना। अब ये बात देसराज के कानों में खटक गई। अब उसकी आंखें चमक गई थी, भाई 1000 रुपये तो सिर्फ जाने के मिल रहे हैं, बाकी जो खराब होगा उससे भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी, और 1000 रुपये से घर का राशन आ जाएगा और कुछ समय अच्छे से निकल जाएगा। उस समय ये हालात हो गए थे कि उनके पास पैसे बहुत कम थे, कोरोना काल था, जो लोग बांट कर जाया करते आटा वाटा उससे काम तो चलता, लेकिन लंबे समय तक काम नहीं चल सकता था। उसने सोचा हुआ था थोड़े बहुत कहीं से पैसे मिल जाएं तो बहुत सारा राशन इकट्ठा कर लेंगे और काफी समय निकाल लेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, डर था कोरोना का भी। अब उस औरत ने कहा था कि 1000 रुपये देंगे, बाकी जो गाड़ी ठीक होगी अलग से पैसे देंगे। तो देसराज ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे जाना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। अब उसकी पत्नी ये बात मान नहीं रही थी। देसराज ने अपने पत्नी को नहीं कहा था कि 1000 रुपये मिलने वाले हैं, क्योंकि उसकी पत्नी साफ साफ कह देती रात का समय है तुम नहीं जा सकते। उसने कहा इमरजेंसी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी खराब है, और वहाँ पर और कोई नहीं है, अगर उसे गाड़ी से अस्पताल नहीं ले जाया गया तो उसकी मौत हो सकती है। अब उसकी बीवी दिल से बहुत अच्छी थी तो पहले तो वो मना करती रही, लेकिन जब उसने कहा कि उसकी मौत होने वाली है, सिर्फ मेरे कारण ही वो गाड़ी चल सकती है और शहर तक वो जा सकते हैं, उसकी बीवी मान गई। उसने रात के 10 बजे बाइक उठाई और वहाँ से निकल पड़ा। अब जहाँ पर गाड़ी ख़राब हुई थी उस इलाके को उस आदमी ने बताया था, और उसने पहचान भी कर ली थी वो कौन सा इलाका है। ये जो इलाका था उस आदमी ने बताया था ये बिल्कुल वीरान के बीच में था, वहाँ पर बहुत कम पेड़ थे, आसपास कोई घर नहीं था, कोई भी आता जाता नहीं था, और कोरोना के कारण कोई गाड़ी भी नहीं निकल पा रही थी। कुछ निशानियाँ थी जो उस आदमी ने बता दी थी, इसके सहारे ही अब देसराज को पता लग गया था कि एरिया कौन सा है। उसने बाइक उठाई उस तरफ चल पड़ा। अब ये जो एरिया था जहाँ पर वो गाड़ी ख़राब हुई थी ये अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर थी, और 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगभग 20 मिनट या आधा घंटा तो लगता ही होगा। अब देसराज घर से निकला था और 20 मिनट आधे घंटे की देरी के बाद वो उस जगह पर पहुँच गया, लेकिन वो जैसे ही उस जगह पहुँचा ना कोई गाड़ी ना कोई और। अब वो हैरान कि भाई यहीं पर तो बुलाया है, मेरी यहीं पर तो कमाई होने वाली थी, अगर मैं वापस गया और कोई कमाई नहीं हुई तो बीवी वैसे भी डांटेगी कि देखो क्यों बाहर निकले थे, बाहर बहुत ज़्यादा रिस्क है। उसने सोचा हुआ था किसी के पास नहीं जाऊंगा, दूर से ही काम करूंगा और निकल लूंगा, लेकिन यहाँ कोई मौजूद ही नहीं। अब 2 किलोमीटर का सफ़र उसने वहीं पर किया, आगे गया पीछे गया, यहाँ देखने लगा वहाँ देखने लगा, कोई गाड़ी है ही नहीं। भाई अगर गाड़ी ख़राब है तो वहीं पर होनी चाहिए ना। उसने फ़ोन लगाया, अब फ़ोन लगाया भाई नॉट रीचेबल, ठीक है, फ़ोन लग ही नहीं रहा। यहाँ पर वैसे भी रेंज बहुत कम आया करती थी, जितनी भी रेंज आती कहीं कहीं फ़ोन लगते कहीं कहीं नहीं लगते। अब नॉट रीचेबल आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई होगी या धक्का लगा रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे, उसे पता ही नहीं लगा। अब ये जो रास्ता था उसके गाँव से होकर ही निकलता, अगर वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी होती या अपने आप स्टार्ट हो गई होती तो बाइक जहाँ से निकली थी वहीं से गाड़ी भी निकलनी चाहिए थी, और खाली जगह कोई नहीं निकला था, यानी कि वो गाड़ी पीछे की तरफ गई होगी। अब थोड़ा सा पीछे गया, अब भाई गाड़ी पीछे कितनी जा सकती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इससे ज़्यादा आधे घंटे में नहीं घसीटी जा सकती, वो मियाँ बीवी थे कितना धक्का लगाते। अब उसने देख लिया भाई गाड़ी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये है प्रैंक कॉल हुआ है, किसी ने उसको बेवकूफ़ बनाया है।
अब किसने बनाया होगा, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसने सोचा हुआ था नॉट रीचेबल आ रहा है, जब बाद में फ़ोन लगेगा बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालूंगा। भाई आधी रात को अगर पुलिस ने देख लिया ना, सीधा जेल में डालेंगे कि रात को कहाँ निकला हुआ है। क्योंकि कोरोना था, सबको डर था, किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, और बेचारा वो तो बाहर फंस गया था। इसके बाद उसने बाइक पीछे को घुमाई और घर की तरफ निकलने लगा। अब थोड़े ही दूर वो निकला था, अपने घर की तरफ आया था, यानी कि 20-25 किलोमीटर का रास्ता था उस जगह पर वो गया था, और वहाँ से 2-3 किलोमीटर अपनी गांव की तरफ आया था। उसे लगा ये जो बाइक है ये अच्छी तरह से चल नहीं रही है, उसकी बाइक काफ़ी धीमी हो चुकी थी। वो जोर लगाता लेकिन बाइक बहुत धीमी चलती, जैसे टायरों में हवा कम हो या उसकी बाइक पर वजन ज़्यादा हो। अब देसराज पतला सा था, 50-60 किलो का पतला सा लड़का, लेकिन ये जो बाइक बड़ी मुश्किल से चल रही थी, जैसे इस पर वजन ज़्यादा हो। उसने जैसे ही अपना चेहरा पीछे घुमाया उसे कोई नज़र नहीं आया। अब सामने वाला जो आईना था जो बाइक पर लगा हुआ था, उस पर उसे लगा पीछे कोई कपड़ा हिल रहा है। उसने काले रंग का कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था, लेकिन वो शीशे में पीछे लहराता हुआ काले रंग का कपड़ा बार बार दिख रहा था। वो पीछे मुड़ता कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि उसने तो वो टी शर्ट जैसी कुछ पहना हुआ था जो इतना लंबा नहीं था कि पीछे की तरफ उड़ता। वो काफ़ी समय तक डरता रहा। उसके बाद उसने बाइक रोकी और देखना चाहा कि पिछले टायर पर कुछ चिपका हुआ तो नहीं। जैसे ही वो बाइक के पीछे नीचे की तरफ बैठा, देखने लगा कोई कपड़ा तो नहीं फंसा हुआ जो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तभी वहाँ उसे नज़र आया कि ऊपर पिछली सीट पर कोई औरत बैठी हुई है, और उसके वजन के कारण बाइक का पिछला टायर नीचे की तरफ दबा हुआ है। वो एकदम से डरकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ, पिछली सीट पर कोई नहीं। अब यहाँ पर उसकी टांगें कांप रही थी। होता है ना, जब अचानक आपकी आंखों के सामने कुछ नज़र आए तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और वो भी जब खड़ा हुआ वो गायब हो चुकी थी, जबकि ज़मीन पर बैठे हुए उसे नज़र आ रही थी। कहाँ गई वो सोचने लगा। तभी उसने सोचा कि भाई यहाँ पर कोई भ्रम तो हुआ है, अब पीछे कपड़ा तो मिला नहीं था। उसके बाद दोबारा वो अपनी बाइक पर बैठ गया, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा डर। वो अजीब सी औरत थी कोई, लेकिन पीछे बैठी कैसे हो सकती है, गायब कहाँ हो गई। वह बाइक चलाने लगा। अब उसने थोड़ी दूर बाइक और चलाई थी, उसे महसूस हुआ ये जो वज़न है ये थोड़ा सा बड़ा है, और जैसे ही उसने अब पीछे की तरफ देखा, ऐसे सर नीचे की तरफ किया, अब साइड में जो स्टैंड की तरह होता है ना, पीछे जो बैठा होता है उसने टांगे रखी होती हैं, भाई किसी औरत ने वहाँ पर पैर रखे हुए थे। ये पैर औरत के थे लेकिन उल्टे, ऐसा लग रहा था पीछे की तरफ मुंह करके कोई औरत बैठी हो जिसके पैर पिछली तरफ थे। अब वो घबरा गया, भाई कौन है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा लेकिन पीछे बैठ जाता है। अचानक से उसने ब्रेक लगाई और पीछे मुड़कर देखा, अब उसे औरत नज़र आई। भाई पाँव पीछे की तरफ थे, चेहरा आगे की तरफ था। अब देसराज घबराया हुआ करता तो क्या करता, उसने ब्रेक लगाई और एक तरफ बाइक ही गिरा दी, क्योंकि इस तरह से बाइक रोककर वो उतर नहीं सकता था। वो पीछे से जो भी थी उसे पकड़ सकती थी, उसके पैर उल्टे थे और उसका चेहरा आगे था। उसने ये तो सोच ही लिया था भाई ये डाकन है जिसकी कहानियाँ यहाँ पर सुनाई जाती हैं, ये किसी किसी को नज़र आती है, और सबसे भयानक चीज़ कि जिसे नज़र आती है वो बाद में ज़िंदा नहीं बचता। अब ये बात उसके दिमाग में घूमने लगी थी और उसे पता चल गया था अब ज़िंदा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आराम से बाइक रोक कर उतरा नहीं जा सकता, उसने सीधा ही बाइक थोड़ी धीमी की और साइड की तरफ गिरा दी। अब थोड़ी घिसटी और वो भी बाइक के नीचे आया, एक तरफ गिर गया, और उसे लगा था जो भी पीछे बैठी होगी, जो डाकन होगी, उसे चोट लगी होगी और मैं इतने में भाग निकलूंगा। लेकिन भाई उस बाइक के पीछे कोई नहीं। अब वो नीचे की तरफ पलटा था, 20-30 या 40 इतनी स्पीड रही होगी, और इतने में वो पलटा था, थोड़ी चोट लगी थी, थोड़ी रगड़ें लगी थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, सर पर चोट नहीं लगी थी, और अब बाइक के आसपास कोई औरत नहीं। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके बिल्कुल पास वो औरत खड़ी, उसके भद्दे से काले रंग के पैर, उसने साड़ी जैसा कुछ पहना हुआ था, पैर उल्टे थे ऊपर की तरफ, उसका चेहरा बिल्कुल उसे देख रहा था। अब नीचे की तरफ वो देख रही थी, उसकी नाक लंबी सी थी, आंखें ऐसा था जैसे अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल काला सा चेहरा, काला आंखें काली, और वहाँ ठीक ठाक रोशनी ज़रूर थी लेकिन वो देख नहीं पा रहा था अच्छे से। अब वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चीखने लगा। अब जितना वो ज़्यादा चीखता जाता वो औरत उतनी ज़्यादा हंसती जाती। अब वो चीखता जा रहा था, औरत हंसती जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर कहानियाँ सुनाई जाती थी कि डाकन जब किसी के पीछे पड़ जाए तो वो ज़िंदा नहीं बचता। अब दूर से कई लोगों ने देखा था डाकन को शिकार करते हुए, लेकिन जिसका शिकार करती थी वो बताने लायक नहीं होता था।
बस कुछ लोग जो बचे थे उन्होंने ही बताया था। अब यहाँ वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ, वो चीखें मार रहा, वो हंसे जा रही और वो घबराया घबराया उठकर भागने लगा। अब टांग पर भी रगड़ें लगी थी इसलिए भागा नहीं जा रहा था, पैर पर भी रगड़ें लगी थी क्योंकि उसने चप्पल पहनी हुई थी और चप्पल पहने हुए वो बाइक चला रहा था। अब वो लंगड़ा लंगड़ा कर भाग रहा और वो डाकन उसका पीछा करने लगी, लेकिन बार बार वो डाकन जैसे ही उसके कंधे को पकड़ती, जैसे वो डाकन को कोई धक्का मार देता और वो पीछे चली जाती। बार बार ऐसा हो रहा था। अब वो थोड़ा लंगड़ाता लंगड़ाता आगे की तरफ जाता, वो डाकन करीब आती, उसे पकड़ती, वो धक्का कोई मारता, उसे पीछे चली जाती। जैसे वो उसे मारने की कोशिश तो कर रही थी, पकड़कर उसे निचोड़ना चाहती थी, उसे नोचना चाहती थी, लेकिन कोई चीज़ थी जो उसे रोक रही थी। उसका कंधा पकड़ा नहीं जा रहा था, बहुत कोशिश की थी। उसके बाद उसने कंधा थोड़ा सा पकड़ा और जो डाकन हंस रही थी वो चीखने लगी। उसके बाद उसने कंधा पकड़कर थोड़ा सा खींचा था और उसके हाथ को जैसे जलता हुआ देखा था खुद देसराज ने। जैसे उसने पीछे कंधा घुमा दिया, उसका भयानक चेहरा, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसे इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगी, चोट लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वहीं पर उसकी आंखें बंद हो गई। और जब उसे होश आया, ये सुबह का वक्त था, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और उन लोगों ने उसे होश में लाया। उसके बाद उसे वहाँ गाँव की तरफ ले जाया गया और वहाँ जाकर उसने अपनी पूरी आपबीती बताई। वहाँ कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो ज़िंदा कैसे बच गया। उसने ये बताया कि मेरा डाकन से सामना हुआ, फ़ोन किया था, किसी ने फ़ोन किया, पहले मर्द की आवाज़, फिर औरत की आवाज़, और लोगों ने कहा, ऐसी फ़ोन कॉल्स कई लोगों को आ रही थी, वो ऐसी जगह कुछ लोग बुला रहे थे, कई लोगों का मानना था ये लुटेरे थे, लेकिन अब देसराज के साथ जो हुआ था वहाँ लोग समझ गए कि ये डाकन थी जो अलग अलग मर्द की आवाज़, औरत की आवाज़ में अपना काम निकलवाती। वो मैकेनिक था तो गाड़ी ख़राब की कॉल उन्हें आई और वहाँ पर उसे बुलाया और लालच देकर बुलाया, वो चला गया और वहाँ उसका शिकार करने की पूरी प्लानिंग थी। लेकिन वो बचा कैसे? वहाँ उसने बताना शुरू किया कि मेरे कंधे को वो पकड़ तो रही थी लेकिन बार बार कोई उसे धक्का दे देता, बार बार कंधे को पकड़ती, कोई उसे धक्का दे देता। अब उसकी जो शर्ट थी बहुत ज़्यादा फटी हुई थी और उसने जब वो शर्ट उतारी उसकी बाजू पर एक तावीज़ बंधा हुआ था। ये वहाँ कोई पीर बाबा का तावीज़ था जिसे वो माना करते थे और उसी कंधे पर तावीज़ बंधा हुआ था जिस कंधे को वो पकड़ने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन कोई धक्का मारकर उसे दूर कर देता। वो वहाँ पर बेहोश हुआ था घबरा कर, डर कर, लेकिन उस डाकन ने उसके शरीर पर ज़्यादा कोई नुकसान नहीं किया था। जो शरीर के कपड़े फटे हुए थे, जो रगड़ें लगी हुई थी, चोटें लगी हुई थी, वो इसलिए लगी थी क्योंकि उसकी बाइक गिर गई थी। अब वो डाकन उसके बहुत करीब थी, सीट पर पीछे बैठी हुई थी, लेकिन बस उसे छू पाई थी, कंधे को पकड़ पाई थी, नुकसान नहीं कर पा रही थी। अब वहाँ पर सब लोगों का मानना था कि उस पीर बाबा की तावीज़ के कारण ही उसकी जान बची, लेकिन कई लोगों का मानना था कि शायद वो सच्चा था इसलिए उस डाकन ने उसको नुकसान नहीं पहुँचाया। अब बहुत कम लोग थे जो इस तरह बच पाते थे। किसी ने गले में माला पहनी हुई होती, किसी ने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई होती, किसी ने पीर बाबा का तावीज़ पहना हुआ होता। हर किसी की कहानी में ये समानता होती कि वही बचता जो भगवान पर भरोसा करता, वरना डाकन जब शिकार करती है तो बचने का मौका ही नहीं देती और बाद में कहानी सुनाने वाला भी कोई नहीं बचता। अब देसराज जी ने इसी तरह कहानी हमें भेजी है और मैंने अपनी आवाज़ में इस कहानी को आप तक पहुंचाया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसे आपको लगता है कि लोगों तक पहुँचाना चाहिए, चाहे वो घटना आपके साथ घटी हो, आपके किसी दोस्त के साथ घटी हो, या किसी ने वैसे ही आपको कहानी सुनाई हो जो बहुत खौफनाक हो, तो मुझे वो ज़रूर भेजें। मैं इस वीडियो के नीचे अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ उसे फॉलो भी कर सकते हैं और अपनी कहानियाँ भी वहाँ पर भेज सकते हैं। तो एक बार चेकआउट ज़रूर करें, वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्कैरी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियो अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।